मॉर्निंग अलाव क्यू बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट में क्या लेकर आए हैं, पार्ट सिक्स। ओके, पार्ट सिक्स में पार्ट का नाम क्या है, एक पहल, और ये हमारा क्या चल रहा है, रिवीजन। और रिवीजन में हमने अभी तक पार्ट फाइव तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारा पार्ट सिक्स स्टार्ट हो गया है। इसमें देखिए, ये पार्ट का नाम है एक पहल, और इस पार्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ओके, तो इस पार्ट में क्या बताया गया है कि एक आस्था नाम की लड़की है जो 8 वर्ष की है और वो पिछले ही सप्ताह एक मोहल्ले में रहने आई है, और जिस मोहल्ले में रह रही है वह इमारत उसकी कितनी मंजिल की है, 5 मंजिला इमारत है, और वह उस मंजिल के तीसरे तल पर रहती है ना, और बहुत ही शानदार आलिशान बंगला है वो, और आस्था को वो जो आलिशान बंगला है वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उस मोहल्ले में जितने भी लोग हैं वो क्या करते रहते हैं, कचरा फैलाते रहते हैं, यहाँ वहाँ कचरा फेंकते रहते हैं, और उस मोहल्ले से उसे बहुत ज्यादा दुर्गंध आती रहती है। इतनी आलिशान इमारत है लेकिन उसे वहां पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जो दुर्गंध आ रही है उसे पसंद नहीं आ रहा है ना। तो जैसे ही उसने बालकनी से झांक कर देखा तो उसे क्या दिखाई दिया कि एक व्यक्ति कूड़ा करकट फेंक रहा है, घर के पास फेंक रहा है। पीछे बालकनी में पीछे साइड भी झांक के देखा तो वहां से उसे बहुत ज्यादा क्या आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी है ना। पर उसे समझ में ये नहीं आ रहा था कि लोग इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, और फिर वह उसने क्या किया, उस मोहल्ले में सफाई रखने के लिए उसने एक अभियान चालू किया है ना। किस प्रकार से किया कि उसकी माँ ने उसे सलाह दिया कि यदि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखना है तो इसके लिए पहल हमें ही करनी पड़ेगी, शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आस्था ने अपनी माँ की सुझाव मानी, और उसने क्या किया कि बहुत सारे बॉक्स लिया, और उन बॉक्स को लेकर के क्या किया, उसने हर एक बॉक्स में लिख दिया कि कृपया कूड़े के लिए मेरा उपयोग करें, और उसने सारे बालकनी में एक एक डब्बा जा करके रख दिया। और इस प्रकार से जब उसने देखा कि उसे यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर से उसने क्या किया, कोशिश जारी की और सभी लोगों को कचरा डालने के लिए, डब्बे में कचरा डालने के लिए मजबूर कर दिया, और उसकी कोशिश कामयाब रही, और उस प्रकार से सारे लोग उस मोहल्ले में जितने भी थे सब लोग क्या करने लगे, डब्बे में ही कचरा डालने लगे, और इस प्रकार से मोहल्ले में जितनी साफ सफाई रहनी थी वो रहने लगी है, और वहां से अब दुर्गंध भी नहीं आ रही थी। इस प्रकार से यहाँ वहां ना थूके, इस प्रकार से उन्होंने कुछ पोस्टर भी लगाया कि कचरा डस्टबिन में डालें, यहाँ वहां ना थूके है ना। और उन्होंने फिर बताया कि दुर्गंध आने से इस प्रकार से लोग परेशान होते हैं, बीमारी होने लगती है, कचरा फेंकने से लोग इस प्रकार से बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बहुत प्रयास किया, और उसकी जो प्रयास था उसे फिर बाद में बहुत सराहना मिली, सारे लोग एक ना एक दिन उसके इस प्रयास को देख करके खुश हुए, और सभी लोगों ने फिर उसका साथ देना चालू कर दिया है ना। इस प्रकार से मोहल्ले में अब उसके बहुत सारे दोस्त हो गए हैं और सारे लोग उसका साथ दे रहे हैं, और इस प्रकार से अब सारा मोहल्ला कैसा रहने लगा, साफ सुथरा स्वच्छ रहने लगा है। ओके, इस प्रकार से बच्चों हम भी आपको कह रहे हैं कि अपने चारों ओर हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, जिस प्रकार से आस्था ने कोशिश किया और उन्होंने पूरे अपने मोहल्ले को, पूरे पड़ोस को साफ सफाई के गुण सिखाए, और साफ सफाई के लिए उन्होंने निर्देश दिया, और सबको संकल्प लेना पड़ा कि आज के बाद हम साफ सफाई ही रखेंगे। इस प्रकार से आप लोग भी हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ अपने आसपास रखेंगे। ओके, तो इस पार्ट में कुछ नहीं है विशेष है कि आप लोगों को क्या करना है, इसका जो शीर्षक है
सारांश है क्या निकल रहा है कि हमें अपने चारों ओर आसपास हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, कूड़े करकट को हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए और हमेशा स्वच्छ ही रहना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से यह हमारा जो पाठ है, हम आपको केवल सारांश बता रहे हैं इस पाठ का। और अब हम आगे क्या देखेंगे इसमें, क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सारा कचरा आस्था के पैरों में गिरा। सारा कचरा आस्था के पैरों में गिरा था क्या? नहीं गिरा था। उनके मोहल्ले में एक व्यक्ति जब कचरा फेंक रहा था तब वह सारा कचरा नीचे गिरा, लेकिन आस्था के पैरों में नहीं गिरा, इसलिए आंसर क्या होगा? रॉन्ग। आस्था गुस्से में टमटमाते हुए अपनी दादी के पास गई। दादी के पास गई थी क्या? नहीं गई थी, वह कहाँ गई थी? अपनी माँ के पास, है ना। माँ के सुझाव से आस्था की निराशा छू मंतर हो गई क्या? यस। इसलिए आंसर क्या होगा? राइट। आस्था ने कुछ पोस्टर भी बनाए थे, हमने आपको बताया था अभी, आस्था ने कुछ पोस्टर बनाए थे जिसमें उसने क्या लिखा था कि यहाँ वहां ना थूके या जो भी। ओके, फिर नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। साफ सफाई के कारण अब इमारत के पास दुर्गंध नहीं आती थी। क्या नहीं आती थी? दुर्गंध। इमारत बहुत बड़ी और क्या थी? आलिशान थी। पढ़ने के बाद कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। क्या पढ़ने के बाद? उत्तर पुस्तिका पढ़ने के बाद लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। आस्था ने पोस्टरों को सीढ़ियों के पास चिपका दिया ताकि आने जाने वाले लोग सभी क्या कर सके, उसे पढ़कर जागरूक बन सके। ओके, इस प्रकार से बच्चों ये हमने आपको पाठ पहले भी पढ़ा चुका था, इसलिए ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको पाठ को देख करके, बुक से देख करके सब बनना चाहिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे और ये हम आपको कल कंप्लीट करा देंगे। इस प्रकार से आपको इसे लर्न करना है, पार्ट 6 को लर्न करना है और हमें सेंड करना है, क्योंकि अब आपके क्या आने वाले हैं? लेवल टेस्ट, और उसके लिए हम आपको ये सब रिवीजन करा रहे हैं। और आप लोग भी ध्यान से पढ़िए और याद करते रहिए और हमें सेंड भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।